लोग उन लोगन के। अरे गुण और ऐब बताने से दोपहर हो गया, फैसला नहीं हुआ कि रुकमणी की शादी हो तो कहां हो। तब तक एक और खड़ा हो गया, बोले महाराज मैं बोल सकता हूं। महाराज बोले सबको बराबर बोलने का हक है, कहो। कन्हैया के साथ शादी कर दो, कन्हैया अच्छा है, बलवान भी है, सुंदर भी है, धन भी बहुत पास है उसके। सारे चुप हो गए, सब लोग कहने लगे, बोले बहुत अच्छे महाराज, कन्हैया के साथ कर दो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दरबार में दरबार के लोग तालियां बजाने लगे, कहने लगे बहुत अच्छी बात है। और जो तालियां बजी दरबार में, तब तक भीष्मक का बड़ा लड़का आ गया, रुको, चिल्लाने लगा, ए क्या हुआ, क्यों तालियां बजा रहे हो? जवाब दिया है महाराज, आपकी बहन का रिश्ता पक्का होने को जा रहा है। किसके साथ? उस कन्हैया के साथ। रोको, कहने लगा पागल हो गए सब लोग, अकल नहीं है। उस चोर के साथ जो माखन चुराता था उसके साथ, लड़कियों का वस्त्र चुराया उसके साथ, रात दिन गाय चुराता था उसके साथ, बिल्कुल नहीं। भीष्मक बोले, पिताश्री जवाब दिया, बेटा हम बातें कर रहे हैं, अभी कोई रिश्ता पक्का थोड़ा ही हो गया, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। रुकम थोड़ी देर तो सर खुजाता रहा, बोला महाराज हमें अपनी बहन जैसा दूल्हा कोई नजर ही नहीं आ रहा। भीष्मक कहने लगे, अच्छी बात है, तो इसका मतलब ये है तुम्हारी बहन जीवन भर कुंवारी बैठेगी घर में। अरे सोचो दुनिया के लोग।